जी पवन चलत है। कैसे भैया? अरे पवन से तेज चलत है नैन नैन भैया। अरे भद्रीपति अरे भूपाल को तो शिकार बिना नहीं, अब शिकार बिना नहीं चैन। और क्या बात भैया? अरे भूप जब जंगल मेरे बा आयो आयो भैया। अरे मृग नजर में अरे आ गयो तो भूपति ने रे बाने चलायो। एक दिन शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में पहुंच जाता है। जय हो। जंगल में वो घूमता रहा लेकिन उसको दोपहर का वक्त हो चुका था, कोई भी शिकार उसके सामने नहीं आई। राजा एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और विचार करता है। क्या विचार करता है भैया? कि आज ये क्या हो गया, यह एक भी कोई शिकार मुझे नहीं मिली। उसी वक्त एक हिरण राजा के सामने से निकलता है। जय हो। जैसे ही हिरण सामने से निकला, राजा घोड़े पे सवार होकर उसके पीछे लग जाता है। जय हो। और वो हिरण के उस हिरण का दिल कह चुका था, का मन में सोच रहा था वो, कि ये राजा आज मुझे निश्चित रूप से मारेगा, ये छोड़ेगा नहीं। अब मैं छिपू तो यहां कहां छिपू। मेरे बंधुओं, उस हिरण को एक कुटिया दिखती है जो दुर्वासा ऋषि जय हो वहां भक्ति कर रहे थे। तुरंत वो उस कुटिया में प्रवेश करता है और पीछे से राजा बाण छोड़ता है। जय हो। बाण सीधा उस हिरण के जाकर लग जाता है। और मेरे बंधुओं, जब हाय हाय की आवाज आई तो दुर्वासा ऋषि के नेत्र खुल जाते हैं। उसने देखा कि ये तो किसी ने मेरे द्वार पे आए हुए को मारा है। तो सामने हरे हिरण पड़ा हुआ था और आगे देखा तो राजा खड़ा था। सज्जनों, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आता है। क्या कहता है भैया? और क्रोध के वशीभूत होकर उस राजा को श्राप देता है। कौन सा श्राप देता है भैया? कहे राजा, तूने मेरी शरण आए हुए को मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कछुआ बन जाएगा। जय हो। जय हो। मेरे बंधुओं, श्राप दुर्वासा ऋषि का श्राप झूठा नहीं था। वो कछुआ बन जाता है और उसे होश भी आ जाता है कि मैं गुनेगार हूं। तो कछुआ कहता है कि हे महाराज, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कौन सी क्षमा मांगता है भैया? लेकिन आप मुझे इतना बता दो कि इस कछुए से मेरा कैसे और कब पीछा छूटेगा। जय हो, कब उद्धार होगा भैया? मेरे बंधुओं, संतों के अंदर क्रोध भी बहुत होता है और दया भी बहुत होती है। उधर दुर्वासा ऋषि को दया आ जाती है तो उस कछुए से कहता है कि कछुआ। क्या कहता है भैया? क्षीर सागर में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी विराजते हैं और जिस दिन तू उनके चरण छूलेगा उसी वक्त तेरा उद्धार हो जाएगा। मेरे बंधुओं, वो कछुआ कैसे समंदर की तीर पे जाता है, विष्णु भगवान के पास में जाता है और कभी वो चरण छूता है, कब उसका उद्धार होता है, आगे की कथा मैं आपको कीर्तन के माध्यम से सुनाऊं। जय हो। जय हो। जय हो। आ
तो कैसे कछुआ जा रहा है और क्या क्या घटना हो रही है मेरे बंधुओं? कैसे लगन लग रही भैया? अरे लगे रही हो लगनी, अरे मन में देखो जी भारी भारी, अरे दर्शन करिबे की, अरे करी लइए रे तैयारी तैयारी, अरे मन में कर तो जाए विचार विचार, मेरी किसा पड़ेगी पार पार, जीवन है मेरो बेकार, अब के मेरी सुन जो सुन जो भैया। अरे विष्णु रे डिंगी चावे, अरे कैसे वो करू रे करता रे, अरे हो रे पेची नहीं खावे, दो दो लग रहे पैरीदार जीवन है मेरा बेकार, अब के मेरी सुन जा, ओ बेचैनों डिंग जावे कैसे करूं रे करता, अरे हो रे पेच नहीं खावे, दो दो लग रहे पैर और बाकी।
सोलो सोलो डोलरी और भगत चरण हाथ नहीं आवे देखो नारे और नारी भैया देखो नारे और नारी।
पानी पानी अरे करो कोई लाको चतराई रे करो कोई लाको चतराई अरे वो ले कोई अब कौन तारे सुन जो मारा भाई रे मला लकड़ी ले बाजा मेरे मला लकड़ी ले बाजा Cool.
फुट में ले ओ बोलवाय करे सबने साजी ने भारी भोगी नादारी अब के तो पाचक काटूंगा ए तड़के आवे गो तेरे लोगी घर पे डांटूंगा भारी भोगी नादारी अब के तो पाचक काटूंगा ए तड़के आवे गो तेरे लोगी घर पे डांटूंगा भारी भोगी नादारी हाँ मेरे प्रिय बंधुओं, धीरे बेटा धीरे, कछुआ विष्णु भगवान के पास में पहुंच जाता है और कछुए ने विचार लगाया कि ये तो जो मुझे गुरु जी ने बताया था कि चरण छूलेगा तेरा उद्धार हो जाएगा, ये तो बड़ी सरल की बात है। विष्णु भगवान के पास में आ चुका और मैं चरण तो अब छू ही लूंगा। जाओ मेरे बंधुओं, वो जैसे ही चरण छूने लगा तो लक्ष्मी जी बीजना से हवा कर रही। जय हो जय हो जय हो भैया। तो लक्ष्मी जी ने उस बीजने से उस कछुए को पास में नहीं आने दिया, अरे अरे, और उसे दूर भगा दिया। फिर कछुए ने विचार किया। क्या विचार किया भैया? कि इधर तो मामला गड़बड़ है, चलो मैं सिर की तरफ जाकर और भगवान से नमस्कार करता हूँ। जय हो। और उधर से ही मेरी कहीं पार पड़ जाए तो मैं उधर जाता हूँ। जय हो जय हो। मेरे बंधुओं, जब कछुआ सिर की तरफ जाने लगा तो वहां शेष नाग जी विराज रहे थे। जय हो जय हो। जैसे ही शेष नाग जी ने देखा तो कछुए के वो फुसकार मारी, तीन कदम दूर जाके पड़ा। अरे अरे, भगवान विष्णु मंद मंद मुस्का रहे थे। और क्या कह रहे भैया? और कछुए से दूर से अपनी मन की भावना से कह रहे थे कि हे कछुआ, अब तू मेरे चरण नहीं छू सकता, अब तू यहां से जा और मेरे नाम की माला जप, समय आएगा तेरा भी दूसरा जन्म होगा और मैं भी दूसरा अवतार दिया कर। जय हो जय हो। उस वक्त जो लक्ष्मी जी आज यहाँ हवा कर रही है, इसने चरण नहीं छूने दिया, इससे भी तू उस वक्त बदला ले लेना। जय हो। उधर जो शेष नाग ने तुझे भगाया है, ये भी तेरे पास में एक दिन मौका आ जाएगा। मेरे बंधुओं, वो भगवान के भजन करते करते अपनी प्राणों को त्याग देता है कछुआ, और समय पाकर निखाज राजा के राज में जाकर वो केवट के रूप में प्रकट। जय हो जय हो जय हो। केवट लकड़ी काटता था, अपने परिवार का पालन करता था। तो सज्जनों, एक दिन क्या होता है? क्या होता है भैया? निखाज राजा घोड़े पर सवार होकर बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और वहां उसको कहीं पानी नहीं मिला। जय हो। पानी नहीं मिलने के कारण उसका कंठ सूख गया और कंठ सूखने के कारण निखाज राजा घोड़े से नीचे गिर गया भैया, गिर गया। उस वक्त जो लकड़ी काटने केवट जा रहा था, उसके पास में पानी था। उसने जाकर देखा कि ये तो हमारे राजा साहब है, और उसने तुरंत उसे गोदी में उठाया और अपने पास से उसे पानी पिलाया। जय हो। पानी पीते ही जान में जान आ जाती है, और निखाज राजा जब खड़ा हो जाता है तो कहता है। क्या कहता है भैया केवट से? अरे ओ केवट, आज तूने मुझे प्राण दान दिए हैं, बोल तू क्या मांगना चाहता है? आज मैं तुझे देने के लिए सब कुछ तैयार हूं। तैयार हूं भैया। लेकिन मेरे बंधुओं, केवट मरम की बात को जानता था, इसलिए केवट जानता था कि मुझे तो चरण छूना है और आज मैं क्या मांगू। तो केवट ने कहा, महाराज। क्या कहा भैया? आज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो निखाज राजा ने उसे, मेरे बंधुओं, एक वचन दिया और वचन में कहा कि मेरा दरवाजा
हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा। खुला है भैया खुला। सज्जनों समय बीतता गया और उधर क्या होता है? क्या होता है भैया? अयोध्या में राम विष्णु भगवान का जन्म राम के रूप में हो गया। लक्ष्मण जी शेष नाग जी थे, जय हो, और लक्ष्मी जी थी वो माता जानकी। जय हो, जय हो, राधे राधे। उधर गुरु के आदेश के बाद ऐलान हो गया कि कल की तारीख में भगवान राम को राज तिलक होगा। लेकिन सज्जनों होनी को कोई नहीं टाल सकता। वह राज तिलक तो नहीं हुआ लेकिन उसका वनवास हो गया। आज राम लक्ष्मण और माता जानकी तीनों की सब जगह खबर फैल चुकी थी कि वो वन को जा रहे हैं। ये खबर केवट तक पहुंच चुकी थी। केवट एक टूटी सी नाव लेकर गंगा की तीर में जा बैठते हैं। जय हो। लेकिन उसे पता था कि भगवान अब जरूर आएंगे और गंगा को पार करेंगे। लेकिन सज्जनों क्या सोचता है भैया केवट? टूटी नाव थी कि ये अच्छी अच्छी नाव में बैठते हुए मेरी इस नाव में कौन बैठेगा, टूटी नाव में कौन बैठेगा? तो बंधुओं निखाज राजा ने उसे वचन दिया था, उसके दरबार में जाता है। और क्या कहता है भैया? और दरबार में जाकर कहता है कि महाराज आज मैं कुछ लेना चाहता हूँ। तो निखाज राजा ने क्या कहा? क्या कहा भैया? केवट बोल तू क्या चाहता है, मैं देने के लिए तेरे को तैयार हूँ। तैयार हूँ भैया। सज्जनों उसने मांगा तो क्या मांगा? क्या मांगा भैया? कि महाराज कल की तारीख में जितनी भी गंगा की तीर में नाव चल रही है ये सारी नाव बंद हो जानी। भैया मैंने तो बहुत पहले सजा ली रमेश, लेकिन क्या हुआ ऐसा? लेकिन बंधुओं निखाज राजा ने कहा कि बस। बोले महाराज यही बहुत है। ऐलान कर दिया कि किसी की भी नाव वहां नहीं चलेगी। सज्जनों उस समय आ गया और भगवान राम जो तीन लोक के नाथ, जो संसार को चलाने वाला, आज त्रिलोकी के नाथ गंगा की तीर में जाकर केवट को कैसे कैसे अर्ज करते भैया, और कैसे आगे कीर्तन बनता है, ध्यान से सुनिए मेरे बंधु। जय हो आजा। वैसे मेरी माता बहनों और मेरे बंधुओं, भगवान भव सागर से पार करने वाले थे और केवट भी कम नहीं था, वो गंगा से पार करने वाले थे। भैया कैसे अर्ज कर रहा है भैया? तो कैसे गुजारिश कर रहा है भगवान बोल बता दे भैया। अरे कर रियो ओ अरज भगवान, अरे हो बुलाई रहो अरे केवट भैया ने आजी, ओ कर रियो रे ओ अरज भगवान बुला रहो अरे केवट भैया ने। अरे रे 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 भैया केवट भैया ने रे। अरे मुए कर दे कैसे? अरे मुए कर दे रे गंगा वो पारे बोलिया रे भाई तेरी वो नैया ने। कर दिया यार भगवान बुलाए गया भैया ने। मुए कर दे गंगा पार लिया या तेरी नैया ने। ओ कर दियो यार जब भगवान बुला रहे हो के बात भैया ने।
नाव से उतरे रघुराई रे ना
मोए काए हर समझावे चरणन में शीश निवावे हर नैनन में पाके पानी भरे आवे ओ मैं द्वारे आपके आओ मेरी नैया पार लगाइयो मैं अर्ज करूं मेरे स्वामी मेरी बिगड़ी है बात बनाइयो हर जब जब जन्म हो भगवान की जय। बोलो सवाल।